नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल। सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव है और उस गांव में विकास के नाम पर एक बैंक, अब लाख कंप्लेन कीजिए कोई सुनने वाला नहीं। पूर्वी गुणी के मुखिया पति आनंद गोपाल पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे कि विकास, पंचायत स्तर पे जो विकास होता है, तो विकास के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायतों में विकास जो होता है निचले स्तर का विकास है, जैसे गली नली, लोगों के राशन, पेंशन। ग्रामीण विकास तो यही है, लोग की ये जरूरतें हैं, जो जरूरतें होना चाहिए ग्राम पंचायत के स्तर से वो यही है कि कम से कम और स्कूल है, शिक्षा की दिशा में थोड़ा काम किया जाए, थोड़ा बच्चों के खेल कूद पर काम किया जाए, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाए, यह है ग्रामीण विकास। सात निश्चय के अंतर्गत बात करें गली नली और जल नल योजना, तो कहाँ हद तक हुआ है आपके पंचायत में कार्य? हमारे यहाँ सात निश्चय में अच्छा काम हुआ है, कम से कम 95% के आसपास हमारे यहाँ पंचायत में काम हो चुका है। कितने वार्ड आएंगे आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। तो बाकी का काम कैसे पूरा होगा? अभी बस 4 महीने पूरे कार्यकाल, 5 साल के कार्यकाल में लगभग 4-5 महीने और बचा हुआ है, अब फिर से नया पंचायती का चुनाव होगा, तो इतने कम समय में फिर बाकी का कार्य कैसे पूरा हो पाएगा? देखिए, इस कार्यकाल में अभी जितना हो सकता है उसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो भी फंड उपलब्ध है, कि सारे काम को पूर्ण कराया जाए। अगर जो नहीं पूर्ण हो पाएंगे तो अगले कार्यकाल में उसको पूर्ण कराया जाएगा। बात करें मुखिया जी, आपके पंचायत में इंदिरा आवास की, काफ़ी इधर बढ़ड़ा क्षेत्र है, बढ़ड़ा प्रखंड का इलाका है और पूर्वी गुणी है, बहुत सारे गांव हैं आपके पंचायत में, तो इंदिरा आवास वाला योजना किन किन लाभकों को मिला है, कैसे मिला है? देखिए, बात जहां आवास की आती है तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, आवास जी, सबका नया घर बनेगा, नया घर बनेगा, मिलेगा। लेकिन सरकार की इतनी भरपूर कोशिश के बाद भी आज विभाग के द्वारा जो उदासीनता हो रहा है, जो आवास सहायकों की गतिविधि है आवास में, बहुत ही मतलब शोचनीय है। क्योंकि आवास अभी तक बहुत आए हैं हमारे यहाँ, अभी तक 4 साल करीब करीब 5 साल पूरा होने वाला है जी। काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है पंचायत में आपके, बहुत सारे ग्रामीण जनता हैं जिनका कहना है कि ग्रामीणों का कहना है कि आवास में, इंदिरा आवास में काफ़ी लूटपाट हुआ है, अच्छा से पैसा भी नहीं मिल पाया है और धांधली भी काफ़ी हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस चीज़ से तो हम इनकार नहीं करेंगे, ये सच्चाई है कि लाभुकों को दलालों के माध्यम से फंसाया जाता है। हम लोग कहीं भी ऐसी इसका पता चलता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको किसी को 2 पैसा नहीं देना है, आपका काम होगा, इस चीज़ का हम लोग कहते हैं। लेकिन दलालों का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और ये सारे जितने भी आवास हैं, चाहे कोई भी पंचायत हो, कोई भी ऐसा पंचायत का प्रतिनिधि जो इस चीज़ को नकार दे कि हमारे यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, पैसा सब जगह चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी त्रुटि है सरकार के पास कि जो लोग ठीक ठाक हैं उनका भी घर, मैंने विशेष करके तो हम देख रहे हैं कि पंचायतों में, बहुत सारे पंचायत में, हमारे यहाँ ही नहीं बहुत जगह हैं, मतलब लाभुक बहुत हुए हैं, सबको घर मिला है, लेकिन उन लोगों को अभी तक घर नहीं मिला जिनको घर की आवश्यकता है। शौचालय की अगर बात करें तो ये कितना हद तक बना हुआ है शौचालय? हमारे यहाँ 70% शौचालय बना हुआ है जी। पेमेंट का रेशियो खराब रहा, अभी तक बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट भी उन्हीं लोगों का हुआ जिनका विभाग चाहा, जिनके कर्मचारी चाहे। हमारा आज तक रिक्वायरमेंट जितना भी गया सब फेल रहा, ब्रोकर का जो रिक्वायरमेंट रहा वो सक्सेस रहा। आपके यहाँ वरीय पदाधिकारियों का, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हुए, उनके ऊपर के पदाधिकारी हुए, उनका सहयोग आपको कैसा मिलता है? देखिए, वरीय पदाधिकारी जो भी हैं वो अपने काम में व्यस्त रह रहे हैं, मिला जुला के जो भी हमारा काम होता है होता है, लेकिन संतोषजनक नहीं रहा है। युवा वर्ग के मुखिया हैं आप, मुखिया पति हैं अपने पंचायत के, और काफ़ी तेज तरार, और आपके पंचायत में आपका नाम भी अच्छा खासा आता है, बहुत सारी जनता भी आपके बारे में बड़ा ही होता है कि हाँ मुखिया जी
सामाजिक स्तर पे भी, मुखिया से हट के, जनप्रतिनिधि से हट के सामाजिक स्तर पे भी लोगों का मदद करते हैं। तो अब की बार आप अपने पंचायत में फिर से चुनाव होने वाला है, फिर से जनता आपको लाएगी, तो अगला सौगात क्या दीजिएगा अपने पंचायत में, मुद्दा क्या रहेगा आपका आपकी पंचायत चुनाव में? देखिए, ग्रामीण चुनाव है और जहाँ तक जनता की बात की तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे पंचायत के लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं शुरू से और आज भी हैं। और जहाँ तक चुनाव का मामला है तो चुनाव में कोई बड़ी सौगात वाली बात तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ, एक मेरा शुरू से एक मेरा जो योजना रहा है, मैं अपने गांव के युवाओं के लिए खेल मैदान, स्वास्थ्य के समय में हॉस्पिटल के लिए अभी तक दौड़ रहे हैं, कहाँ तक सक्सेस हो रहे हैं। हमारी एक ही चाह है कि हमारे जनप्रतिनिधि रहते हुए, हमारे पंचायत में मुखिया रहते हुए, खेल मैदान और हॉस्पिटल जरूर बनवाएं। बस ये दो चीज़ जरूर, ये दो चीज़ हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ 200 से 400 बच्चे रोज रोड पर दौड़ते हैं। हमारे यहाँ एक बगल में पीछे में एक ज़मीन है जो कि पूर्व मुखिया के द्वारा उस ज़मीन को बंदोबस्त कर दिया गया, 3000 रुपये साल पर, करोड़ों की ज़मीन 3000 रुपये साल पर एक पोखरा को भर के और उसको मतलब बना दिया गया। ठीक, हम चाह रहे हैं कि उस भूमि को क्लियर कराइए, उसको खेल मैदान में एक अच्छा स्टेडियम बनाइए, उस स्कूल को भी लाभ मिले, गांव को भी लाभ मिले। तो ये मलाल रहता है कि हम लोग ये नहीं कर पाए। मेरे 5 साल बीतने वाले हैं, ये मन में ज़रूर रहेगा कि हम ये काम नहीं कर पाए। अगला टर्म मिलता है तो इसको पूर्ण कराने का हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी हो उसको कराया जाए। सरकार के काम 60% हो जाए तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन हमारे नज़र में वार्ड का कार्य 45% भी शुद्ध नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बदलाव जरूरी है, बदलाव की हो सकता है, हम इस पर आरोप नहीं मढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि 7 निश्चय का सिस्टम में बदलाव हो। वीडियो साहब को फोन कीजिएगा, कहिएगा कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है, हम बोल रहे हैं जेई को। जेई कह रहा है कि हमने तो प्राकलन बना के दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। सब एक दूसरे पे फेंकते जाते हैं। सिस्टम ही वही है। आप 14वीं पंचम में देख लीजिए कि कहीं आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा उसमें फंसेंगे मुखिया और सीधा सीधा पंचायत सचिव। यहाँ तो सीधा सीधा मुखिया ही फंस रहा है और कोई फंस नहीं रहा। कार्य कराएगा वार्ड, कार्य कराएंगे उनके सचिव, और केस होगा मुखिया जी और पंचायत सचिव पर कि भाई आपने पैसा क्यों दे दिया। सरकार के आदेश है भाई, हमको तो 40% देना है। और दूसरे बार जब वो MV करा के आ जाएगा, तो हमारी मजबूरी है कि हम उसको पैसा देंगे। अगर अटकाते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि नहीं, आप कमीशन की वजह से नहीं दे रहे हैं, आपका कमीशन नहीं दिया होगा इसलिए आप चेक नहीं काट रहे हैं, लेकिन उस कार्य को देखने के लिए कोई नहीं जा रहा है। वरीय अधिकारी आएंगे, वो पास कर दें, आपको देना है, अब वो जैसे पास कर दें, उनको तो देना है भैया। तो 60% में भी मजबूरी है और 40% में मजबूरी है। तो अगर देना है, अगर यही सिस्टम को रखना है, तो एक काम और सरकार करे, मुखियाओं का फंड रोक दे और वहीं से सीधा वार्ड को पैसा ट्रांसफर करे, डायरेक्ट ट्रांसफर करे। चूंकि दो काम समाप्त हो जाएगा, एक मुखिया का जो चेक काटने वाला झमेला है वो खत्म, दूसरा फंसने वाला समस्या खत्म। नहीं, फंसना तो ऑटोमेटिक अब खत्म हो जाएगा, और पूरा का पूरा जिम्मेवारी वार्ड का होगा, वो अपना कैसे काम कराएगा। मुखिया पंचायत में एक टेबल बनकर रह जाएंगे, आपके पास कट कूट के मात्र 20 लाख 25 लाख 5 साल में पड़ जाएंगे, क्या कर लीजिएगा। आपको केवल मॉनिटरिंग मिला है, आप मॉनिटरिंग कीजिए और पब्लिक का दुश्मन बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसा कि आपने देखा, भी हमारी बात हो रही थी पूर्वी गुणी के मुखिया पति आनंद गोपाल पंडित जी से, तो ये थी इनकी जुबानी, और साफ तौर पे इनका कहना है कि 7 निश्चय योजना तो सही है, मगर उसमें कहीं ना कहीं उसके नियमावली में बदलाव जरूरी है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने आने वाले नए सत्र के बारे में अपने मुद्दे को बताया कि मेरा मुद्दा यह रहेगा, अगर हम जीते तो सबसे पहले खेल का मैदान यहाँ इस अपने पंचायत में बनवाएंगे। बहुत सारे युवा वर्ग के जो पीढ़ी है वो रोड पे ही दौड़ते हैं, उनके दौड़ने के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो सबसे पहले तो हम एक खेल का मैदान बनवाएंगे यहाँ पे, और दूसरे में स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, एक अस्पताल का यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। विजय निर्देश सहयोगी अजीत के साथ राजा तिवारी, आरा।